नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 12 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉर्वे, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉर्वे। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे को पहला स्थान मिला है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है ईआईयू। इसका पूरा नाम क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। फिर से बोलता हूँ, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इसमें टोटल 165 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें से जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये हुआ है नॉर्वे को। देखो पहला स्थान तो नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। शुरू के चार देश आप याद रख लीजिए। दूसरे नंबर पर रहा है न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर रहा है फिनलैंड और चौथे स्थान पर रहा है स्वीडन। फिर से बोलता हूँ, पहले पर नॉर्वे, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर फिनलैंड और चौथे पर है स्वीडन। भारत को इसमें जो रैंक प्राप्त हुई है, इंडिया को इसमें जो रैंक प्राप्त हुई है ये हुई है 46। 165 देशों की रैंकिंग में भारत को 46वीं रैंक प्राप्त हुई है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की, स्वीडन। स्वीडन की अगर हम कैपिटल की बात करें तो स्टॉकहोम ये इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी की बात करें तो स्वेडिश क्रोना, KRONA, ये इसकी क्या है? करेंसी है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल है और इसकी करेंसी है यूरो। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। पेरू की बात करें, पेरू की कैपिटल है लीमा और इसकी करेंसी है सोल। अब बात यहाँ पे नॉर्वे की हुई है तो इसकी आप लोकेशन देख लीजिए। देखो ये है नॉर्वे, यूरोप के नॉर्थ पार्ट में है नॉर्वे। ये इसकी कैपिटल है ओस्लो, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है। नॉर्वेन क्रोन ये करेंसी है और जोनास घर स्टोर ये प्रधानमंत्री हैं नॉर्वे के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है कब? 11 फरवरी को, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11 फरवरी। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की, 2 फरवरी। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ये मनाया गया, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया गया और 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सिस डे ये मनाया गया। तो सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 11 फरवरी। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में यूएनईपी ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र के साथ, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की, केरल। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना को स्टार्ट किया। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बालसाहेब ठाकरे गोरेवाडा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल स्टार्ट किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित किए करेगा, ये निर्णय लिया गया था। वन्य जीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। अब लोकेशन देखिए आप महाराष्ट्र की, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। राज्यों की बात करें आसपास के, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इन 6 राज्यों के साथ इसकी जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं।
बॉम्बे में इसके हाई कोर्ट हैं, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD, ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। 36 जिले हैं लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, घुघुमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। लेक की बात करें, लोनार लेक, वीना लेक, दोनों महाराष्ट्र में हैं। कोयना डैम, जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, इसे भीमा डैम भी कहा जाता है क्योंकि भीमा रिवर के ऊपर है। जैकवाड़ी डैम। तो ये थी महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन। मुनीश्वर नाथ भंडारी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं मद्रास उच्च न्यायालय के, यानी डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2022 में 21 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई, यानी डेथ एनिवर्सरी। तो ये कब मनाई गई? 11 फरवरी को। फिफ्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 11 फरवरी। 9 से 11 फरवरी 2022 तक किसकी मेजबानी में वन ओशन शिखर सम्मेलन, वन ओशन समिट का आयोजन किया गया? यहाँ पे आएगा फरवरी, तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर, फ्रांस। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। अब बात फ्रांस की हुई है तो आप लोकेशन देखिए फ्रांस की, ये है फ्रांस, यूरोप में है। पेरिस कैपिटल है, यही लार्जेस्ट सिटी है इसकी। यूरो करेंसी है, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं, जीन कास्टेक्स ये प्रधानमंत्री है, ये नीचे स्पेन है। देखो ऊपर ये फ्रांस, ये स्पेन, ये देख रहे हैं आप, ये एक रेंज है पायरेंस, यहाँ पे बॉर्डर पे है ये पायरेंस, इसकी रेंज है। ये भी आप याद रखिएगा, फ्रांस की बाउंड्री नीचे मेडिटेरियन सी और इधर ये नॉर्थ में अटलांटिक ओशन, दोनों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है राजीव भाटिया ने। सेवंथ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, राजीव भाटिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। केन विलियमसन का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेटर हैं न्यूजीलैंड के। तो एट्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, क्रिकेट। 9 फरवरी 2022 को जारी किए गए 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है मुंबई, जो 5वें स्थान पर आया है। इसके बाद आता है भारत का ही बेंगलोर, ये 10वें स्थान पर आया है। और पूरे देश में पूछा जाए तो पूरे देश में पहले स्थान पर आया है इस्तांबुल। ये एक सिटी है कहाँ पर? टर्की में। और दूसरे नंबर पर आया इसमें मॉस्को। तो 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, मुंबई। 10th क्वेश्चन, हाल ही में फाइजर इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रदीप शाह को, यानी 10th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, प्रदीप शाह। ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर सही आंसर है। 8 फरवरी 2022 को किसको कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो एस किशोर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति दी है? मालदीव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2022 में किस तारीख को बाबा आमटे की पुण्यतिथि मनाई गई? तो 9 फरवरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कवल टाइगर रिजर्व खबरों में है, यह किस राज्य में है? तेलंगाना सही आंसर है। किस देश ने 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अनिबाल टोरेस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सेकंड क्वेश्चन, 8 फरवरी 2022 में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? 2022 में विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सिस डे, ये 2022 में कब मनाया गया? थर्ड क्वेश्चन, कंचौत पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? फोर्थ क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पर खोला गया है? छठा क्वेश्चन, किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है? तो इन छह क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।